नमस्कार, व्यापार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। अमेरिका के शेयर बाजार सोमवार को बड़ी गिरावट का असर मंगलवार को भारतीय बाजार में भी देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी भारी गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स करीब 1200 अंक नीचे खुला, जबकि निफ्टी में शुरुआती कारोबार में 350 अंकों की गिरावट देखने को मिली। देश की सबसे बड़ी ट्रक निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने वित्त वर्ष 2018 की तीसरी तिमाही में 1 अरब रुपए का एकल लाभ अर्जित किया है। इससे पहले कंपनी को लगातार 5 तिमाहियों में एकल स्तर पर घाटा हुआ था। इक्विटी होल्डिंग पर प्रस्तावित लॉन्ग टर्म कैपिटल गैस टैक्स 1 अप्रैल 2018 या इसके बाद बिकने वाले शेयरों से होने वाले प्रॉफिट पर लगेगा। सरकार ने सोमवार को कहा कि टैक्स 1 अप्रैल या उसके बाद बिकने वाले शेयरों पर लगेगा, लेकिन कैपिटल गैस का हिसाब लगाने के लिए उसकी एक्विजिशन कॉस्ट 31 जनवरी के मैक्सिमम ट्रेड प्राइस या परचेस प्राइस जो भी ज्यादा होगा उसके हिसाब से तय होगी। भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपने संडे फ्री कॉलिंग ऑफर को बंद करने का ऐलान किया था। यह ऑफर बीएसएनएल के लैंडलाइन यूजर्स के लिए है। अब कंपनी ने इस ऑफर को आगे बढ़ा दिया है। कंपनी ने कहा कि इस ऑफर को बढ़ाने का निर्णय इसलिए भी लिया गया है क्योंकि इस ऑफर की काफी मांग थी और बढ़ती मांग के चलते इसे बंद करना सही निर्णय नहीं होता। हुंडई ने नई सैंटा फे के ऑफिशियल स्केच जारी की है। इसे मार्च में आयोजित होने वाले जिनेवा मोटर शो 2018 में दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में तय, आप बने रहिए ईएमएस छीपी के साथ। नमस्कार। जेनाविन सेल्स, घरेलू आटा चक्की की शानदार रेंज, घर का आटा, शुद्ध आटा, घर में ही पीसे, मिलावट से बचे। जेनाविन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।